देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन कहता है, कथन और निष्कर्ष पे आधारित प्रश्न बार बार एक दो प्रश्न पूछा जाता है इस परीक्षा में। देखिए उसी पर आधारित मैंने पिछले पेपर से उठाकर ये सवाल आपके सामने रखने का एक प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। देखिए कहता है कि कुछ आम केले हैं, ये देखिए कुछ आम केले हैं। कभी भी किसी भी चीज को जब हम कुछ कहते हैं, कुछ तो इस तरह से हम दोनों को बराबर रखते हैं। कुछ आम केले हैं, ये देखिए केले, कहता है कोई भी केला हरा नहीं है। तो ये आप याद रखें, कि देखिए कुछ आम केले हैं तो इस तरह से हम उसको जचाएंगे, लेकिन कहता है कोई भी केला हरा नहीं है। अगर कोई भी केला हरा नहीं है तो हम उसको इस तरह से अलग से नहीं रखेंगे, उसको इसके अंदर ही रखेंगे। देखिए कहता है कुछ आम केले, हैं, कोई भी केला हरा नहीं है। ठीक है, कोई भी केला हरा नहीं है, अगर केला हरा नहीं है तो आम तो हरा है, इसका मतलब यही होता है कि कोई भी केला हरा नहीं है, इसका मतलब आम हरे हैं, तो हम इसको हरा लिख देंगे, हरे। अब देखिए, अब हम इसके आंसर, कहता है नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए निष्कर्ष इसमें कहता है कुछ केले आम हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। कहता है कुछ केले आम नहीं है। अब देखिए तो ये वाले केले तो आम नहीं है। देखिए ये अंदर वाले केले आम है लेकिन ये वाले केले तो आम नहीं है। देखिए मैं फिर से आपके सामने ये रखता हूं, आम और केले। तो देखिए कहता है ये होगा हरा, जैसा हमने रखा था हरा। तो आप देखिए ये वाले जो आम हैं, इधर वाले, ये केले नहीं है, तो इसका मतलब कुछ केले आम नहीं है, ये बात सत्य है, कुछ केले आम नहीं है। दूसरा कहता है कुछ आम केले हैं, तो देखिए कहता है कुछ आम, देखिए बीच वाले, ये आम, ये देखिए बीच वाले आम जो हैं ये केले हैं, तो इसका मतलब ये बात भी सही है। अब उसके बाद में कहता है नंबर 3 पे, कहता है कि कुछ आम हरे हैं। तो कुछ आम हरे हैं, केले के लिए मना किया था कि कोई भी केला हरा नहीं है, इसके लिए मना किया था, लेकिन आम के लिए तो मना नहीं किया, तो इसका मतलब कुछ आम हरे हैं, तो नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। तो देखिए निष्कर्ष ए आंसर दिए हैं। निष्कर्ष अगर ए आंसर देते हैं तो निष्कर्ष 1 और 2 सही है, बी 2, निष्कर्ष 2 और 3 सही है, सी दीजिए सभी निष्कर्ष सही है, डी दीजिए निष्कर्ष केवल 3 सही है। तो तीनों निष्कर्ष बिल्कुल सही है, कथन 2 कथनों के आधार पर, इसलिए हमारा आंसर इसमें होगा सी। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने वहां पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कहता है कि निम्नलिखित सारिणी को देखकर बताएं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो प्रश्नवाचक ये यहां पर दिया हुआ है, देखिए तो यहां पर दिया है, देखिए 9 और 3 और बीच में 25, इसका मतलब क्या है देखिए आप ध्यान से। ये ऊटपटांग प्रश्न रीजनिंग में आपके सामने पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें रूल्स रेगुलेशन का पता है, रीजनिंग के रूल रेगुलेशन का, कि कौन सा पड़ाव कैसे कहां होगा, तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। देखिए इसने क्या किया है कि 9 और 3 की गुना की है, 9 दिया 27 और 27 में से इसने 2 निकाल दिया, देखिए तो क्या बचा 25, तो यहां बीच में 25 रख दिया। इसी तरह से 6 चौक 24, 2 निकाल दिया 22। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे 11 6 66, देखिए 11 6 66 6 से गुना और 2 निकाल दिया, तो इसका मतलब यहां 6 आना चाहिए, तो यहां पर 2 हमारा इसमें आंसर होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, 1 वर्ष पहले प्रियंका और आशू की आयु में 4:5 का अनुपात था, 1 वर्ष बाद उनकी आयु में 5:6 का अनुपात होगा, आशु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष। तो आपको ये याद रखना है कि दोनों की आयु में पहले अनुपात था 4:5 और दूसरी बार क्या, 1 साल के बाद अनुपात क्या हो गया, 5:6। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि पहले है प्रियंका, पी लिख लेते हैं, फिर है आंसू, आंसू लिख लेते हैं। प्रियंका जो है वो 4x है, 4:5 है प्रियंका और आंसू में, तो 4x प्रियंका और आंसू है 5x, दोनों की आयु में 1 जोड़ देते हैं, ये देखिए दोनों की आयु में 1 जोड़ देते हैं, 1 यानी 1 साल बाद, तो 1 जोड़ेंगे, 2 साल बाद तो 2 जोड़ेंगे, और कहता है अनुपात 5:6 हो जाता है, तो 5/6। अब देखिए इसको क्रॉस अगर हम करते हैं तो 6 चौक 24x, देखिए और 6 एकम प्लस 6x 6 सॉरी, फिर उसके बाद में इसको क्रॉस करते हैं तो 5 5 बराबर है 5 5 25x, और ये देखिए 5 एकम 5 प्लस 5। अब देखिए 24 और 25 को हम घटाते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या निकलता है x, तो x और 6 और 5 का निकालते हैं तो क्या निकलता है डिफरेंस,
एक, यानी x हमारे पास एक आ गया। ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, x हमारे पास एक आ गया। तो अब देखते हैं कि अगर x एक आ गया तो एक से चार को गुना कर देंगे, चार एकम चार, और एक से पांच को गुना कर देंगे, एक पंजे पांच। तो देखिए प्रियंका चार वर्ष की हो गई, आंसू पांच वर्ष का, और एक साल के बाद इसकी आयु पांच हो गई और दूसरे की आयु छह हो गई, तो पांच अनुपात छह इसमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब आंसू की उम्र क्या हुई, आंसू है बाद वाला, ये देखिए आंसू बाद वाला है, तो इसका मतलब आंसू की उम्र जो है वो पांच वर्ष होगी। तो एक इसमें हमें हमारा आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। बैट को डब्लू कहा जाता है, तो एडीबीसी को उस कुट भाषा में क्या कहा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट्स। देखिए प्रैक्टिस बहुत तकड़ी आपकी होगी इसमें, आप पेपर में किसी भी हालत में थोड़ी बहुत जो कमी होगी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। देखिए कैट, कैट अगर आप एबीसीडी के ऊपर 1 से 26 तक नंबर डालते हैं तो यहां टी का नंबर 20 होता है, देखिए, और ए का नंबर एक होता है और सी का नंबर तीन होता है। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो तीन एक चार और बीस चौबीस, चौबीस नंबर पर देखिए एक्स होता है, ध्यान से देखिए। इसी तरह बी का नंबर दो होता है, दो और एक और बीस, बीस एक इक्कीस और दो तेईस, तेईस नंबर पे देखिए डब्लू होता है। और हम अगर ये नहीं करते तो बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि आगे इसने चाल चली हुई एडीबीसी लिख दिया, तो एडीबीसी मतलब एक और डी का मतलब चार, पांच, पांच हो गए, एक प्लस डी का चार और बी का दो और सी का तीन, जोड़ दीजिए तीन और दो पांच और चार नौ और एक दस, देखिए तो 10 नंबर पे क्या होगा, 10 नंबर पे जे, तो इसमें एक नंबर हमारा आंसर इसमें हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, इसमें क्या किया गया है, देखिए 7 को 2 से गुना, 7 दुनी 14 और 2 फिर आगे 3 से गुना, 7 दुनी 14 और 14 दिया 42, ये देखिए बीच में। आगे देखिए कैसे किया गया है, 1 को 8 से गुना, 8 एकम 8 और 8 नीम 72, तो देखिए 72 इसमें हमें आंसर मिलता है। चलो आंसर तो हमें मिल गया लेकिन इसको भी देख लेते हैं, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 36 बीच में रखा गया है, तो 72 इसमें हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ए बी की पत्नी है, इसका मतलब बी एक व्यक्ति है, आप ये ध्यान रखें, ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है, वह सी ए की बहन है, यानी सी जो है वो ए की बहन है, यानी बी की वो साली हो गई, सी जो है बी की साली हो गई, सी के पिता डी है और सी जो है, जो सी है वो ए की बहन है, देखिए सी ए की बहन है और सी के पिता डी है, इसका मतलब वो ए के भी पिता है और डी के ससुर है, देखिए सीधी सी बात है। तो ई जबकि ई डी का पुत्र है, ई डी का पुत्र है तो वो क्या हुआ, बी का साला हो गया, देखिए स्पष्ट है। तो कहता ई का बी से क्या संबंध है, कहता ई, ई क्या है, ई पुत्र है, ससुर का पुत्र है, तो देखिए बी से क्या संबंध है, बी का ससुर का पुत्र क्या हुआ, साला, तो सीधी सी बात है बी इसमें हमें हमारा आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट देखिए, निम्नलिखित आकृतियों से ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, स्पष्ट नीचे लिखा है वर्ग डॉक्टर है, वृत्त खिलाड़ी है, आयत कलाकार है, तो स्पष्ट सीधी सी बात है कभी भी ऐसा पूछा जाए कि ऐसे डॉक्टर बताइए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, तो आप खुद देखिए कि हमें तीन ही तो पॉइंट है, ये देखिए तीन ही तो पॉइंट है, एक स्क्वायर है वर्ग है, एक वृत्त है और एक रेक्टेंगल यानी आयत है, हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जो तीनों में हो, तो यानी डॉक्टर बताइए, डॉक्टर भी होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए और कलाकार जो तीनों में है, तो तीनों में अगर हम देखते हैं तो एक पॉइंट सात ही तो ऐसा है, देखिए सेवन ही तो ऐसा है जो तीनों में है, स्पष्ट है सीधी सी बात है, देखिए वर्ग डॉक्टर है हम समझते हैं, लेकिन वो वर्ग में भी होना चाहिए, वो वृत्त में भी होना चाहिए, वो आयत में भी होना चाहिए, देखिए ये पांच तो केवल दो में है वृत्त और वर्ग में, और चार केवल एक वर्ग वर्ग में है, और छह जो है वो आयत और वृत्त में है, और तीन जो है वो वर्ग और आयत में है, लेकिन सात एक ऐसा पॉइंट है जो वर्ग में भी है, वृत्त में भी है और आयत में भी है, इसका मतलब सात ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, तो सी इसमें हमें हमारा आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन पे आइए स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर एक सीरीज ऊपर दी हुई है, इसमें देखिए 93 से 90 हो जाता है, यानी तीन का डिफरेंस, तीन का डिफरेंस, 90 से 89 हो गया एक का डिफरेंस, देखिए फिर 89 से 87 हो गया दो का डिफरेंस, यानी 3, 1, 2, अब 87 से 85 हो गया दो का डिफरेंस, अब 85 से 84 हो गया देखिए एक का डिफरेंस, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सीरीज को कैसे चल रहा है, देखिए 3, 1, 2, अब 2, 1, तो 3,
आप तीन कर दीजिए। अब तीन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, 81 81 अगर हम यहां पर रखते हैं, 81 82 83 84, तो 81 में तीन जोड़ते हैं तो 84 मिलता है। इसी तरह से देखिए 90 में तीन जोड़ते हैं तो 93 मिलता है, उसी तरह से 81 में तीन जोड़ते हैं तो 84 मिलता है। तो इसमें हमारा 81 दो नंबर आंसर आएगा। सीरीज को कैसे चला देखिए स्टूडेंट, 3 1 2 फिर 2 दोबारा रिपीट कर दिया, 2 1 3, तो 81 इसमें हमें हमारा आंसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें है स्टूडेंट्स, देखिए पहले ए पी सी एन कोमा जी जे और आगे क्वेश्चन मार्क, तो इसमें क्या आएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां से हम देखते हैं, तो यहां ध्यान से आप देखिए ए ए से सी और सी से जी कैसे चला है, ए यानी बी सी यानी एक का फर्क यहां किया गया है, देखिए फिर कहता है सी से जी यानी डी ई एफ तीन को छोड़ा हुआ है या तीन का फर्क है, देखिए तो हम 5 का फर्क कर देंगे, क्योंकि देखिए ए और सी में एक का फर्क और सी और जी में तीन का फर्क, हम 5 का फर्क आगे करेंगे तो जी के बाद क्या आना चाहिए, देखिए जी एच आई जे के एल एम, तो उत्तर तो हमारा आ ही गया है। अब प्रैक्टिकली हम करके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, आपका समय आप सीख रहे हैं, मैं पेपर को हल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए यहां पर समय नहीं, हमें प्रैक्टिस को देखना है, प्रैक्टिकली हम कितना फिट है। अब देखिए जे से उल्टा चलते हैं तो जे के एल एम एन, देखिए तीन का फर्क। अब यहां एन से पी की तरफ चलते हैं तो देखिए एन से पी की तरफ एन ओ पी, यहां एक का फर्क है देखिए नीचे, और यहां देखिए एन से जे की तरफ एन जे के एल एम एन, तो देखिए यहां पर ये तीन का फर्क किया गया है, आगे 5 का फर्क होगा तो हमें डी यानी डी आगे आएगा तो एम डी, एम डी हमारा आंसर यहां होगा, एम डी नंबर 3 में है, वो पहले ही आ चुका था, तो नेक्स्ट हमें ज्यादा मेहनत करने की इसमें जरूरत है ही नहीं, और ऐसे ही करना चाहिए रीजनिंग में, अगर हम क्वेश्चन को कर रहे हैं और एक दो अंक से ही 4 ऑप्शन में हमारा आंसर छट जाता है तो आगे भागने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समय इतना कहां होता है स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए स्टूडेंट, देखिए कहता है यदि नीचे दिए गए आरेख में वृत्त बुद्धिमान व्यक्तियों को का द्योतक है, वर्ग अनुभवी व्यक्तियों का और त्रिभुज अध्यापकों का, तो कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है जो बुद्धिमान भी है अनुभवी भी है, तो हमें जरूरत ही नहीं है यहां पर कुछ लिखने की, क्योंकि पहले जो आया था बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है ये, देखिए कहता है उन बुद्धिमान व्यक्तियों को यानी बुद्धिमान अनुभवी और अध्यापक तीन ही तो है, ये देखिए ये तीनों तीन ही तो है, इसका मतलब एक पॉइंट हमें ऐसा ढूंढना है जो तीनों में शामिल हो, एक पॉइंट यानी बुद्धिमान भी हो अनुभवी भी हो और अध्यापक भी हो, तो वो कौन सा पॉइंट है जो केवल तीनों में अकेला है, तो देखिए वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये दो जो है ये सर्कल में भी है यानी वृत्त में भी है, त्रिभुज में भी है और स्क्वायर वर्ग में भी है, इसका मतलब डी इसमें हमें हमारा आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीरीज सीरीज प्रॉब्लम में, देखिए 5 से अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो 6 का डिफरेंस, आगे डिफरेंस निकालते हैं तो 10 का डिफरेंस, आगे डिफरेंस निकालते हैं तो ये 21 दुनी 42 और ये यानी 22 का फर्क, तो स्टूडेंट्स ये कुछ बन ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है आपको मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ 5 चौका 20, 5 को 4 से गुना और 1 बढ़ा दिया 21, 21 चौका 84, 84 में 1 जोड़ दिया 85, देखिए जंपिंग सिस्टम में है, और 85 चौका अगर हम करते हैं तो 85 चौका होते हैं 8 चौक 32 यानी 320 और 20 340 प्लस 1 341, तो आंसर तो हमें मिल ही गया, 2 नंबर इसमें हमारा आंसर होगा, लेकिन दूसरी सीरीज को भी एक बार देख लेते हैं, 11 चौक 44, 1 घटा दिया, देखिए 11 चौक 44 1 घटा दिया और 43 को आगे करते हैं तो 43 से आगे सॉरी 11 से 43 और 43 से अगर हम आगे करते हैं तो 171 आता है, यानी 43 चौका 172, 172 में से एक गया 171, तो ये सीरीज इस टाइप से चल रही है, तो आपको समझ में आ गई होगी, देखिए 5 चौका 20 और 1 21, 21 पंजे 85 और घटा दो 21 पंजे 85 एक जोड़ दो तो 85, 21 चौका 84 प्लस 1 और उसके बाद में 85 चौका प्लस 1 तो 85 चौका 340 प्लस 1 341, तो 2 हमें इसमें हमारा आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या किया हुआ है, एस टी यू एक छोड़ दिया, वी डब्ल्यू एक एक छोड़कर, तो यहां क्या आ जाएगा क्यू, देखिए
यहां क्या आएगा, देखिए जब एस टी यू एक छोड़कर यू वी डब्ल्यू, तो यहां क्यू आर छोड़ दो एस तो क्यू आएगा। तो ऑप्शन में जाके देखिए, ऑप्शन में क्यू चार नंबर में नहीं है, तो तीन आंसर हमारे हो सकते हैं। अब यहां देखते हैं हम, देखिए के एल, देखिए आखिरी वाला के एल एम, तो अगला क्या होगा एन, तो इसमें एन नहीं है, इन दोनों में एन है, तो इन दोनों पे स्टडी करते हैं। इन दोनों में अब हमें क्या करना चाहिए, इनको मिला लेना चाहिए आपस में, कैसे, देखिए क्यू एम पी इसमें क्यू डब्ल्यू पी, तो क्यों ना हम एम को ही देख लेते हैं, एम यानी दो नंबर को, तो देखिए दो नंबर में यहां भी एम है, यहां भी एम है, यहां भी एम है, तो हमारे वाले भी एम होगा, तो ये नंबर भी आंसर नहीं होगा। तो ज्यादा हमें स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो एक नंबर इसमें हमें हमारा आंसर मिलता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में इनकम को 64-81-23 से संकेतबद्ध किया जाए तथा अटोनमेंट को 90-14-32-340 से कुट किया जाए, उसी प्रकार नेशन का संकेत क्या होगा। तो स्टूडेंट्स नेशन, देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें इसी में से आपको ये निकल जाएगा। तो देखिए एन का कोड क्या होगा, तो एन का देख लीजिए दो नंबर पे है तो चार हो गया, तो चार देखिए तीन में है तो ये तो नहीं है। अब कहता है ए, अब हम ए को देखते हैं, तो ए देखिए अटोनमेंट में एक नंबर पे है, तो इसका हो गया नो, ये देखिए नो, तो इसका मतलब नो हो गया, तो चार नो किस में है, चार नो तो केवल तीन नंबर में है, तो आगे क्यों जाएंगे, हमें किस लिए जाना है, अरे कोडिंग डिकोडिंग ही तो है, जल्दी करो और भाग जाओ। तो स्टूडेंट तीन नंबर इसमें हमारा आंसर हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, देखिए पहले एक सर्कल में पहले एक स्क्वायर है, फिर उसके अंदर एक त्रिभुज है, दोबारा क्या करता है इसमें आकर अंदर से सर्कल को छोड़कर दो को बाहर निकाल लेता है, फिर बाहर वाले को छोड़कर त्रिभुज को बाहर निकाल लेता है। इसी तरह से इसमें क्या गया, पहले त्रिभुज के अंदर कुछ है तो उस अंदर वाले को बाहर निकाल लिया, फिर इसके अंदर वाले को बाहर निकाल लिया, इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर वाले को इसमें बाहर निकाल लिया, अब इसमें से अंदर वाले को इसको बाहर निकाल लेंगे, तो वो अंदर से बाहर निकालते, यहां कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो देखिए बिल्कुल ऐसे क्रॉस में होना चाहिए ये, तो क्रॉस में देखिए इसमें है, तो इसमें हमारा आंसर जो है हमें तीन प्राप्त होगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं, ये ब्लैंक्स जो दिए गए हैं, ये ए ए बी सी ए ए बी सी, इस क्वेश्चन को मैं ट्यूनिंग के क्वेश्चन बोलता हूं, जब इसमें इसको हम भरते हैं तो ट्यूनिंग सी बन जाती है, और जहां पर ट्यूनिंग सेट हो जाए वही हमारा आंसर आ जाता है। देखिए मैं इसमें आपको वैसे ही एक बार भर के दिखाता हूं, ए देखिए आगे आगे जो है ऑप्शन में बी भी दिया गया है, तो मैं बी बी से पहले भर के देखूंगा, क्योंकि दो ऑप्शन में बी भी है, तो मैं पहले बी भर के देखता हूं बी, फिर दूसरे ऑप्शन में सी है, देखिए दोनों के अंदर देखिए दोनों में बीसी बीसी है, तो मैं आईडिया से वैसे भर के देख रहा हूं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक नंबर ऑप्शन और चार नंबर ऑप्शन पे चला जाऊंगा। तो देखिए ए बी बी सी, ये देखिए ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी, इसका मतलब हम अपना आंसर आराम से सेट कर सकते हैं, देखिए ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी, देखिए अब हमारा आंसर बन गया बी सी सी बी ए सी, तो देखिए बी सी सी बी ए सी नंबर तीन में दिया गया है, और अगर आप इनको उठा उठा कर भर भर के देखते तो भी आपकी ट्यूनिंग सेट हो जाती, तो ट्यूनिंग के क्वेश्चन इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, दिए गए चित्र का अध्ययन करके बताएं कि कितने आदमी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं पर हॉकी नहीं। अब की बार क्वेश्चन अलग सा है, कहता है हॉकी नहीं खेलने चाहिए, केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलने चाहिए, चतुर्भुज है क्रिकेट और वृत्त है फुटबॉल, इसका मतलब हम त्रिभुज को अलग रखेंगे और दोनों खेल खेलने वाले देखेंगे, तो यानी एक चतुर्भुज में और एक वृत्त में कौन कौन सा है। तो देखिए क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये 16 एक एक मात्र सर्कल में यानी वृत्त में फुटबॉल और चतुर्भुज में क्रिकेट, यानी 16 वृत्त में भी है और चतुर्भुज में भी है, इसका मतलब 16 ऐसे आदमी हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल तो खेलते हैं मगर देखिए त्रिभुज में हॉकी है इसको नहीं खेलते, तो 16 आंसर तीन नंबर पर दिया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सी आकृति दिए गए प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि ये इसके अंदर तो ये भी नहीं है, तो ये तो होने का मतलब ही नहीं है, और ये सारी भरी पड़ी है तो ये होने का मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए इसके अंदर ये खाली है
और ये जो है ये भी मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ लाइनें नहीं है, टी हमें चाहिए, ये देखिए इस टाइप की टी चाहिए लेकिन नीचे की तरफ चाहिए, तो वो इसी में तो बनता है। तो देखिए दो नंबर इसमें हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, यदि 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 22, 4 × 7 = 22, तो 5 × 4 = 8। तो देखिए क्या किया हुआ है, ये देखो भ्रमित किया गया 6 × 3 = 18, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया गया है, 6 और 3 को जोड़ दिया 9, 9 × 2 = 18, 2 से गुना कर दिया, 5 और 6 को जोड़ दिया 11 × 2 = 22, 7 और 4 को जोड़ दिया 11 × 2 = 22, और 5 और 4 को तुम जोड़ दो, 5 और 4 को जोड़ते हैं तो 5 और 4 9 × 18, तो दो ऑप्शन इसमें हमारा आंसर मिलता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए कहता है यदि माइनस का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ डिवाइड यानी भाग और भाग का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ माइनस हो, तो निम्नलिखित समस्या का हल क्या होगा। अरे भाई सीधी सी बात है, ऊपर कहा है कि देखिए कहता है जमा का अर्थ है भाग, आपको पता है बोर्ड मास BODMAS, ये स्कूलों में मास्टर पढ़ाते थे बोर्ड मास, बी से ब्रेकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रेकेट खोलते, ब्रेकेट इसमें नहीं है, ओ ऑफ इसमें नहीं है यानी का इसमें नहीं है, और डी डिवीजन, तो सबसे पहले डिवीजन यानी भाग ही तो खुलेगा। तो देखिए जमा का अर्थ कहता है भाग, तो अगर इसको हम भाग कर दें जमा को तो ये क्या आया, दो ही तो आया। फिर कहता है इसमें देखिए भाग का अर्थ है गुना, ये देखिए भाग का अर्थ है गुना, और इसको अगर हम गुना कर दें तो ये 18 बन गया है, देखिए 18। अब देखिए यहां पर कहता है तो माइनस का अर्थ है जमा, तो इसका मतलब ये माइनस है, इसका अर्थ अगर हम जमा कर दें तो देखिए ये तो इधर हो गए अलग से 9 × 18, और ये देखिए ये 2 और ये माइनस का अर्थ, देखिए माइनस का अर्थ प्लस, तो ये 4 और 2 6, ये 6 जुड़ गए, तो 6 ये हो गए और 18 ये हो गए, देखिए 18 ये हो गए। इसका मतलब अब क्या होगा, दोनों को माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर कहता है देखिए गुना का अर्थ है माइनस, देखिए गुना बीच में इनके गुना है, तो इधर ये 6 हो गए और इधर ये 18 हो गए, तो देखिए 6 − 18 अगर हम करते हैं तो माइनस में हमें आंसर मिलता है 12, देखिए, और 12 ऑप्शन नंबर 3 में क्लियर आपको दिखाई देता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सिलेबस से संबंधित कोई वीडियो लेकर जल्द ही उपस्थित होता हूं। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।